हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसे आप जानते हैं कि कल आप लोगों का नीट एग्ज़ाम है, बट आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है कि आपका एडमिट कार्ड में आपको क्या ध्यान रखना है, ड्रेस कोड क्या होना चाहिए और आपको आज कैसा बिहेव करना है और कल एग्ज़ाम के समय आपको कैसा करना है, क्या करना है, सारा चीज़ अपन एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आते हैं बेटा सीधा एडमिट कार्ड। तीन चीज़ें आपको सबसे पहले ध्यान रखना है। पहला एडमिट कार्ड आपको ध्यान रखना है कि भाई एडमिट कार्ड आपका प्रिंटआउट आज ही करवा लें, कल के भरोसे नहीं छोड़ना है, एग्जाम वाले दिन जाते जाते करवा लेंगे, ये सारा चीज़ नहीं करना है। दूसरा पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेके जाना है आपको। तीसरा फोटो आईडी कार्ड लेके जाना है। तो एक एक करके चलते हैं हम लोग। सबसे पहला एडमिट कार्ड आपको ध्यान देना है बेटा। एडमिट कार्ड आपका जो है, एडमिट कार्ड बिल्कुल कलर आपका प्रिंट होना चाहिए। एडमिट कार्ड जो है आपका कलर वाला होना चाहिए। कलर ब्लैक एंड व्हाइट ऐसा लिख सकते हैं, बट कलर्ड होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कलर्ड में आपका फोटो वगैरह काफ़ी अच्छा दिखेगा, नहीं तो वहाँ पर वो लोग पकड़ के देखते रहेंगे, आपको मिलाते रहेंगे, हाँ तुम ही हो कि नहीं हो, है ना, एडमिट कार्ड में तुम ही वो इंसान हो कि नहीं, तो ये सारा चीज़ देखते रहेंगे। तो बेटर है कलरफुल आपको प्रिंट आउट निकलवा लेना है, लेकिन आज ही निकलवा लेना है, शाम से पहले। वेट नहीं करना है कि कल का करना है, कल बहुत हड़बड़ी होगा, आपको मालूम है, एग्जाम सेंटर जाना है, दुनियादारी सारा चीज़ रहेगा। तो सबसे पहला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है एडमिट कार्ड, वो भी कलर निकलवा लेंगे, ज़्यादा अच्छा है। और तीनों के तीनों पेजेस को निकलवाना है, ऐसा नहीं कि सामने आपका फोटो है तो बस वही लेके जाएंगे, ठीक। तो तीनों आप लेके जाएंगे बेटा। इसमें अगर आप देखेंगे, कुछ चीज़ें हमको ध्यान देना है कि सिग्नेचर वगैरह भी सब कुछ रहेगा, आपका जो फोटोग्राफ है सेम वही फोटोग्राफ आपको लेके जाना है। तो ये जो आपका जो फोटोग्राफ्स रहेगा, जो भी आपका कलर फोटो रहेगा, तो जो फोटो रहेगा आपका, जो आपने फॉर्म भरते समय जो डाला है, वही फोटो आपके पास होना चाहिए। अगर इन केस मान के चलो कि वो फोटो गुम गया है, तो आप क्या करोगे, आप वही ड्रेस पहन के वापस वैसे ही फोटो आप खिंचवा करके आपको वो फोटो लेके जाना है। वैसे एक ही फोटोग्राफ बोला है, बट आप दो से तीन रख लीजिएगा साइड, मतलब मान के चलो एक आध खराब हो गया, कुछ हो गया, फट गया, तो आपके पास एक एक्स्ट्रा पड़ा रहेगा, तो उसे तीन फोटोग्राफ आपको लेके जाना है। चलिए, तो फोटो आईडी मैंने बता दिया, ओरिजिनल लेके जाना है, और आधार कार्ड हो चाहे ड्राइविंग लाइसेंस हो, जिसमें आपका फोटो होगा, फोटो आईडी प्रूफ का मतलब जिसमें फोटो होगा, आपका नाम होगा, एड्रेस होगा, तो ज्यादा बेटर, सबसे अच्छा तो बेटा आधार कार्ड ही माना जाता है, ठीक है। आधार कार्ड को भी ओरिजिनल लेके जाएंगे आप, ऐसे नहीं कि उसकी फोटो कॉपी लेके जाना है, ठीक। यहाँ तक समझ आ गया। अब यहाँ पर आपको कुछ ये सेल्फ डिक्लेरेशन आपको दिया गया है, यहाँ पर कैंडिडेट का कुछ फोटो यहाँ पर लगाया जाएगा, जैसे आपने अपडेट किया है, और यहाँ पर आपका लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन है, तो एंड आपका सिग्नेचर है। तो सिग्नेचर ध्यान रखेंगे बेटा, आपको यहाँ नहीं करना है, घर से करके नहीं जाना है, आपको वहीं पर सिग्नेचर करना है ना। तो ध्यान रखेंगे, सिग्नेचर आप इनविजिलेटर के सामने करेंगे अपने एडमिट कार्ड में, ठीक। यहाँ तक समझ आ गया बात। और यहाँ पर लिखा हुआ है कैंडिडेट्स फोटो सेम एज अपलोडेड ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म टू बी एफिक्स्ड बिफोर रीचिंग द सेंटर। यहाँ पर आपको फोटो चिपका के लेके जाना है, ठीक। देन उसके बाद अगर हम आगे देखें, तो ये हो गया हमारा, देन पासपोर्ट साइज फोटो। पासपोर्ट साइज जो फोटो है, पासपोर्ट साइज फोटो जैसे मैंने बताया आप लोगों को, जैसा अपलोड किए हो आप एप्लीकेशन फॉर्म में, वही फोटो आपका रहेगा, दो से तीन लेके जाएंगे। और क्या क्या लेके जा सकते हैं, तो सबसे पहली बात तो आपको ज्यादा कुछ लेके नहीं जाना है, इन केस कि आप गाड़ी में जा रहे हो, है ना, या फिर मान के चलो कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रहे हो, तो आपको क्या क्या चीजें लेके जाना है, तो बेटा एक ही चीज ध्यान रखना, एक छोटा सा जो कंपास जैसा होता है वो आपको लेके नहीं जाना, ट्रांसपेरेंट एक होता है कंपास जैसा, उसमें आप तीन इंपॉर्टेंट चीजें आपका लेके जाना है। पहला आपका एडमिट कार्ड कलर्ड वाला, दूसरा आपका फोटो आईडी कार्ड लाइक आधार हो गया जो कि ओरिजिनल होना चाहिए आपका, और तीसरा आपका पासपोर्ट साइज फोटो लेके जाना है आपको, ठीक है। एंड ये ट्रांसपेरेंट जो वाटर बॉटल है, ये सारी चीजें आपको लेके जानी है, अगर जाने दिए तो। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है कि एकदम क्लियर, जैसे अगर आप बाहर किनले वगैरह या जो भी आप खरीदते हो बॉटल जो है 10-20 रुपए में, तो वो एकदम क्लियर होना चाहिए, उसमें कोई भी लेबलिंग नहीं होना चाहिए, कोई भी ब्रांड का लेबल नहीं होना चाहिए, आप निकाल दीजिए, अगर वो अलाउ करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज कई बार तो कई सेंटर अलाउ भी नहीं करते हैं। तो एक तो वाटर बॉटल ले जा रहे हैं खुद का, तो आप ट्रांसपेरेंट लेके जाएंगे, हैंड सैनिटाइजर बहुत छोटा सा लेके जाएंगे आप, देन अगर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से तो पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट भी आपको लेके जाना है। देन नेक्स्ट इसमें आते हैं हम लोग, देन
आप सैनिटरी नैपकिन्स लेके जा सकते हैं, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, आप जानते हैं फीमेल से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, तो आप उसको कैरी करके ले जा सकते हैं। लेकिन बात ये आती है कि सारी चीज़ों को कैसे लेके जाएं, तो एक छोटा सा बैग लेके जाएंगे जिसमें आप सारी चीज़ें, जैसे कि तीन एक साथ आपको चीज़ें लेके जानी है, फोटो आईडी कार्ड, आपका पासपोर्ट साइज फोटो हो गया, और आपका क्या बोलते हैं एडमिट कार्ड हो गया, ठीक है। तो ये आपको लेके जाना है, और साथ में एक छोटे से बैग में ये सारी चीज़ें भी आप लेके जा सकते हैं। मेडिसिन, अगर आपकी तबीयत वबीयत ठीक नहीं है, मेडिसिन लेके जा सकते हैं। अगर आप गाड़ी से जा रहे हैं, खुद के मोपेड से जा रहे हैं, है ना, तो जो चाबी होती है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सेंटर वाले बिल्कुल नहीं बोलते कि हम सारे चीज़ आपका ध्यान रखेंगे। इवन मोबाइल वगैरह भी आप लेके ना जाएं तो ज़्यादा बेटर है बेटा, डिक्की में डाल दें, और चाबी जो है उसको छोटे से बैग में लेके चलें और बैग को बाहर रख दें। लेकिन ध्यान रखेंगे कि ये सारा चीज़ है वो आपके रिस्क पे रहेगा, सेंटर वाले कोई आपकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे। देन साथ में अगर जैसे मान के चलो कि आपके पास थोड़े बहुत पैसे आप लेके जा रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा रहे हो, ऑटो रिक्शा से जा रहे हो, बस से जा रहे हो, ट्रेन से जा रहे हो, तो आपको उतने पैसे रखने हैं जितने आपकी ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि 4-5 हज़ार रुपये लेके चल रहे हैं कि भैया अपन वहाँ पर पैसा हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा, तो बेटा ऐसा अगर आप करेंगे तो सारा ध्यान आपका वहीं रहेगा। मोबाइल अगर आप लेके जाओगे, क्योंकि सारी चीज़ें बाहर रखवा देंगे, तो आपका सारा ध्यान वहीं रहेगा कि मेरे बैग में मेरा मोबाइल पड़ा हुआ है, बहुत सारे पैसे रखे हुए हैं। तो ऐसी चीज़ें नहीं लेके जाना है जिससे आपका ध्यान वहाँ पर एग्जाम के बदले बाहर हो कि मेरा पैसा, मेरा मोबाइल चोरी हो गया, तो ये सारा टेंशन लेना नहीं है आपको। तो पैसे भी उतने लेके जाएं जितने आपको ज़रूरत है, 200-400 रुपये ज़्यादा आपको लेके नहीं जाना है। देन उसके बाद अगर हम देखें क्या क्या आइटम्स आपको नहीं ले जाना है, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, कोई सा भी मोबाइल हो गया, आप इलेक्ट्रॉनिक आजकल जो डिजिटल वॉच पहनते हैं, ये सारा चीज़ नहीं लेके जाना है। हेडफोन, हेडफोन मोबाइल, है ना, ये सारा चीज़ आपको नहीं लेके जाना है। एंड स्टेशनरी आइटम्स में एग्जाम पैड, पेन, पाउच, जो भी आप लेके जाते हो, पेन की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर आपको पेन दिया जाएगा, आप उसकी चिंता मत करिए। जो पेन दिया जाएगा उसी से आपको सर्कल करना है एग्जाम हॉल में, ठीक। तो यहाँ पर मैंने एक मोटा मोटी बता दिया है कि भाई ये सारा इलेक्ट्रॉनिक आइटम तो फिलहाल नहीं लेके जाना है, ठीक। देन उसके बाद ड्रेस कोड की अगर हम बात करें, तो ड्रेस कोड में आपको क्या क्या ध्यान रखना है बेटा, कि आप अपने चश्मा लेके जा सकते हो, हियरिंग एड्स लेके जा सकते हो, ब्रेसेस, प्लास्टिक स्प्लिंट, जो भी प्लास्टर अगर लगा हुआ है या एक्सीडेंट हो गया, स्प्लिंट उसकी बात कर रहा हूँ मैं, टैटू है तो ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, कोई भी कस्टमरी ड्रेस जो रहता है आप एक नॉर्मल सा ड्रेस पहन के जाएंगे, ठीक है। क्या क्या नहीं लेके जाना है, सनग्लासेस नहीं, ब्रेसलेट, नेल पेन, ये है ना, जो भी एक्स वाई जेड जो भी आपका एक्स्ट्रा है वो लेके नहीं जाना। सिंपल सी बात है, एकदम सिंपल सोबर जाना है। आप वहाँ कोई फैशन शो करने अपन जा नहीं रहे, एग्जाम देने जा रहे हैं, एकदम बढ़िया लूज कपड़े पहनेंगे, कंफर्टेबल कपड़ा पहनेंगे बेटा अपन, कॉटन का बढ़िया सा, जिससे कि आप वहाँ बैठ के, ऐसे भी गर्मी का समय है तो बैठ के आपको कंफर्टेबल फील हो, ऐसा ड्रेस में आपको जाना है। तो देखेंगे एक एक करके मेल फीमेल के लिए, दोनों के लिए। तो अगर हम फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें, तो अपर वियर जो है बेटा एकदम सिंपल होना चाहिए, प्लस जो जैसा मैंने अभी फुल आस्तीन पहना है, फुल फुल शर्ट पहना है, आपको वैसा नहीं पहनना है। जो भी आप टी शर्ट, जो भी कुर्ती आप पहनते हो वो हाफ होना चाहिए, वरना वहां तो बेटा कई बार शुरू शुरू में तो कटवा दिए थे, तो अभी आपको हाफ यहाँ तक पहन के जाना है, ठीक। समझ आ रहा बात आप लोगों को। बॉटम वियर भी एकदम सिंपल सा, जो पैजामा होता है या जो भी आप लेगिंग्स वगैरह जो भी आप पहनते हो, जींस वगैरह ना हो तो ज़्यादा बेटर है, ट्राउजर वगैरह, पैंट हो गया, लेगिंग्स हो गया, ये सिंपल ड्रेस चलेगा, क्योंकि सिंपल ड्रेस ही ज़्यादा बेटर है। वहाँ पर ये जो मोटे कपड़े होते हैं लाइक जींस वगैरह, उसको ये लोग थोड़ा सा अलग नज़रिए से देखते हैं कि भाई कोई चीटिंग का सामान तो नहीं है, क्योंकि कुछ और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो नहीं है, इसलिए वो लोग काफ़ी ज़्यादा फिर पूछताछ करेंगे, चेकिंग करेंगे, जिससे आप परेशान हो जाओगे। तो ज़्यादा बेटर है चुपचाप बढ़िया से जाना है हमको, एग्ज़ाम देना है बढ़िया सा, हमको एग्जाम दे करके घर वापस आना है। तो ऐसा ड्रेस कोड होना चाहिए, एकदम लाइट होना चाहिए, सिंपल सोबर होना चाहिए, ठीक। देन फुटवेयर की अगर हम बात करें बेटा, तो सिंपल मैंने जैसे बताया, सिंपल, कोई शूज नहीं, कोई बड़ा ऊंचा हील वाला आपको सैंडल नहीं पहनना है, जितनी अच्छा हो सके सिंपल सा स्लीपर, पतला सा आपको सिंपल सा स्लीपर आपको पहन के जाना है। देन अब बात करते हैं बेटा ड्रेस कोड फॉर मेल, तो यह चीज जो मेल में भी वही चीज अप्लाई होगा, अपर वियर जो है सिंपल सा शर्ट टी शर्ट आप पहन के जा सकते हो, बट हाफ होना चाहिए और एकदम सिंपल पतला सा होना चाहिए, ठीक। देन उसके बाद अगर हम बॉटम वियर की बात करें, तो सिंपल सा आपका जो सिंपल पैंट होता है, ना कि जीन्स, मैंने पहले ही बोला कि जीन्स वगैरह आप नहीं पहने, जीन्स नहीं, सिंपल सा आपका पैंट होना चाहिए या ट्राउजर होना चाहिए, ठीक।
ठीक है, ये आपका सिंपल सा ड्रेस रहेगा। और फुटवेयर जैसे मैंने बताया स्लीपर हो तो ज़्यादा बेटर है बेटा। और स्लीपर के अलावा ज़्यादा फैंसी चीज़ें आपको नहीं पहननी है, ये एकदम आप लिख के रख लो, वरना वहाँ जाते ही आप इतना चेकिंग का सामना करोगे। वैसे तो नॉर्मल चेकिंग होता ही है, बट अगर आप थोड़ा सा फैंसी ड्रेस पहन के जाओगे तो आपका और चेकिंग होगा, आपका समय भी जाएगा, प्लस आप परेशान हो जाओगे, मेंटली भी हरास हो जाओगे आप। तो मेरा एक सजेशन रहेगा, जितना सिंपल हो सके बेटा उतना सिंपल आपको पहन के जाना है। और अगर मैं गर्ल्स की बात करूँ तो कि साथ में जो हम इयररिंग्स वगैरह होता है बेटा, इयररिंग्स हो गया है ना, इयररिंग्स हो गया, ये सब आपको नहीं पहनना है। इयररिंग्स हो गया, ठीक है, और जो नाक का हो गया, नोज पिन हो गया, ठीक है, अंगूठी हो गया, पायल हो गया, कान का हो गया, ये आपका हाथ में जो भी चूड़ी कंगन हम पहनते हैं, ये सारा चीज आपको नहीं पहनना है बेटा। कुछ भी पहनेंगे आप, अगर गोल्ड का पहने हो आप, डायमंड का पहने हो आप, है ना, तो सब उतार के घर में रख देंगे, क्योंकि अगर आप पहने तो वहां पर आपसे उतरवा लिया जाएगा। और जैसे ही आप उतारेंगे गोल्ड वगैरह है और आप बैग में रखेंगे उसको, तो आपका सारा ध्यान वहां रहेगा, मेरा सोने का सामान है भैया, ये चोरी हो गया तो क्या होगा। तो आप 3 घंटे, 3 सवा 3 घंटे तक का जो एग्जाम होता है उसमें आप ध्यान ही नहीं लगा पाओगे तो एग्जाम क्या दोगे। तो मैंने वही बोल रहा हूँ, कोई भी ऑर्नामेंट्स नहीं होना चाहिए, टोपी वोपी कुछ भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ सिंपल सा शर्ट होना चाहिए, वो भी हाफ, सिंपल सा पैंट होना चाहिए, सिंपल सा स्लीपर होना चाहिए, एकदम कंफर्टेबल होकर के जाओ। पैसे ज़्यादा नहीं रखने हैं, मोबाइल वगैरह नहीं रखना है, कीज़ वगैरह जो गाड़ी का होगा छोटे से बैग में बाहर रख देना है, ठीक है, ज़्यादा स्ट्रेस, ज़्यादा टेंशन वाला चीज़ नहीं करना है। दूसरी चीज़, एग्ज़ाम वाले दिन आप क्या करोगे, आपको वैसे कोई कोई अलग अलग जगह है, कोई 1 बजे आपको रिपोर्ट करने बोल रहा है, कोई 12:30 बजे रिपोर्ट करने बोल रहा है, कोई 1:30 बजे, तो मेरा ये कहना है बेटा आप कम से कम 1.5 घंटा पहले चले जाओ। अगर आपका रिपोर्टिंग टाइम मान के चलो कि 1 बजे है, रिपोर्टिंग टाइम आपका 1 बजे है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो भैया 2 बजे आपका एग्जाम चालू होने वाला है, समझ आ रहा है, तो 1 बजे अगर आपका रिपोर्टिंग टाइम है तो बेटा आप कम से कम वहां पर 1 घंटा पहले पहुंच जाओ। क्यों, जाते जाते ट्रैफिक में फंस गए तो, गाड़ी खराब हो गई तो, या कुछ और प्रॉब्लम हो गई तो बेटा ज्यादा बेटर है कि आप जो भी रिपोर्टिंग टाइम है उससे 1 से 1.5 घंटा पहले आपको पहुंचना है, कोशिश यही करना है, और घर से जल्दी निकलना है। ऐसा नहीं हड़बड़ हड़बड़ क्या करूं क्या नहीं करूं। तो ये जो मैंने जो आपको 3 चीज़ें बताई, ये तो 3 चीज़ें नेसेसरी है, बाकी आपका जो ड्रेस कोड है एकदम सिंपल होना चाहिए, स्ट्रेस नहीं लेना है। और दूसरी चीज़ है ना, बिफोर टाइम पहुंचना है, वहां जाके भले आराम से बैठ जाओ, और वहां किताब विताब पकड़ के बेटा पढ़ने का टेंशन बिल्कुल मत पालना। मैं आपको बता रहा हूँ, जो पढ़ाई होती है साल भर होती है, 1 घंटा पहले आप पढ़ के कोई तीर नहीं मार सकते, बेटर है चुपचाप अपनी पढ़ाई करो, है ना, आज रिवाइज करो और कल एग्जाम देने जाओ, और आराम से 1 घंटा पहले रिलैक्स होकर बैठो एग्जाम हॉल में, ये मान के चलो कि आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है और आप अच्छा एग्जाम लिखोगे और आप सेलेक्ट हो जाओगे। ये मेंटेलिटी से आप एग्जाम कल आपको देना है, और ये तभी पॉसिबल होगा जब आपके साथ कोई भी ट्रेजेडी नहीं होगी, लाइक आप लेट नहीं होगे, आप हड़बड़ाओगे नहीं। तो बेटर है समय से पहले चले जाओ, सारा चीज जैसे मैंने बताया है वो सारा चीज आपको फॉलो करना है ना। देन एग्जाम वाले दिन आपको क्या करना है, जैसे ये आपका एग्जाम है कल, ठीक है, 7 मई को आपको एग्जाम है, तो जो 6 मई है ना, 6 मई, जैसे आज 6 मई है, तो आज आपको एटलीस्ट 8 आवर्स स्लीप लेना है, 8 आवर्स का स्लीप लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 8 घंटे आपको स्लीप क्यों लेना है, इससे पहले तो हम कम लेते थे, 8 घंटे स्लीप लेने की कोशिश इसलिए करनी है क्योंकि भाई आप एग्जाम दोगे तो आपका दिमाग भी तो अच्छे से चलना चाहिए। अगर आप रात भर पढ़ते रहोगे तो आप दिमाग काम ही नहीं करेगा, आपके दिमाग को रेस्ट चाहिए, जितना आप रेस्ट दोगे उतना आउटपुट ब्रेन से ज्यादा बाहर आएगा, कुछ चीजें जो कम याद है वो भी बाहर आएगा। लेकिन अगर आप सोओगे नहीं, आपका दिमाग अगर थका हुआ रहेगा तो जो याद है अच्छे से वो भी बाहर नहीं निकलने वाला। तो बेटा मेरा ये जो पर्सनली जो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों को, कि आज रात को अच्छे से नींद लेंगे बेटा, और नींद तभी आएगी जब आपका कोर्स कंप्लीट होगा। तो कोर्स कंप्लीट कैसे होगा भाई, अब तो अभी भी बचा हुआ है सिलेबस, तो एक ही चीज करना है बेटा, अगर 2-4 चैप्टर बचा भी है तो आपको क्या करना है, सिर्फ जल्दी जल्दी उसको 10-10 मिनट में आपको पेज पलटा के फॉर्मूले देख लो, कोई थ्योरी दे दो, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लो, लेकिन रात को 11 साढ़े 11 बजे तक सोने से पहले आप जितने भी बच्चे हुए एक बार पन्ने पलटा के देखो, चुपचाप भगवान का नाम लो और किताब बंद करके आराम से 7-8 घंटे की नींद लो, और ये सोच के सो कि भाई हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तब आप गहरी नींद से अच्छे से नींद ले पाओगे 8 घंटे की। और सुबह उठ करके आप पहले जो जरूरी चीज़ है, लाइक आपका एडमिट कार्ड हो गया,
पासपोर्ट साइज फोटो हो गया और आपका जो फोटो आईडी कार्ड है, ये सारी चीजें आपको पहले लेके एक जगह रख लेनी है ना। और फिर आप जो भी रिलैक्स आपको करना है, बहुत ज्यादा कल के दिन नहीं पढ़ना है, जितना हो सकता है आज कंप्लीट कर लो। थोड़ा बहुत जो फॉर्मूले की कॉपी आप बनाए होगे, अगर 1-2 घंटा समय मिलता है सुबह तो आप कर लो, अदरवाइज तो तैयारी में समय निकल जाएगा। हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं है, गोले गलत नहीं भरने हैं, और जब भी आप क्वेश्चन बनाओ उसको आप पहले कंफर्म कर लो गोला करने से पहले कि ए है, बी है, सी है, डी है, ठीक है। और आराम से एग्जाम देना है बेटा आप लोगों को। 3 घंटे आपका जो एग्जाम है यही आपका सक्सेस डिसाइड करेगा, ठीक। बाकी मैं आशा करता हूँ कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए। मैं ईश्वर से दुआ करूंगा कि आप सभी सेलेक्ट हो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच बेटा।